बहुत ज़्यादा थी, बहुत मतलब कि फास्ट मूवमेंट कर रहा था ना, तो इसकी जैसे फिर मेरे को जैसे कि लगता है ना कि यहाँ कुछ चल रहा है खड़खड़ ऐसे जैसे कुछ। फ्री हो गया हूँ, आज पूजा पाठ होगा नहीं क्योंकि आज है चंद्र ग्रहण। अंकल थोड़ा गोबर ले लूँ, बड़ी प्रेगनेंसी मंथ को रिवील कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाए, ताकि का 3 मंथ प्रेगनेंसी हो गया। उन लोगों को मतलब माइंड में था कि हाँ प्रेगनेंट है, लेकिन उन लोगों ने टेस्ट वगैरह नहीं किया था। एक दिन जानते हैं जिस दिन इनको गांव जाना था उस दिन तो समझ लीजिए कंटिन्यू जैसे एक एक सेकंड पे। हाँ, जब वो समय आया तो हमने बताया, अब हमारा समय आ गया कि प्रेगनेंसी मंथ को रिवील करने का। वेलकम बैक टू आर अनदर ब्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम लोग प्रेगनेंसी से रिलेटेड हमारे ब्लॉग ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि किट्टो हैं प्रेगनेंट। जिन लोग को नहीं पता मैं बता दूँ कि मेरा नाम अमित जायसवाल है और मेरी वाइफ है किट्टो जायसवाल जो कि प्रेगनेंट है। मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम मेरा ब्लॉग देखते हैं, तो उनको ये चीज़ें बतानी जरूरी होती हैं। जो लोग रेगुलर देखते हैं उनका तो दिल से स्वागत है, जो लोग पहली बार आए हैं उनका तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों मैं रात में मोबाइल चला रहा था और बज गए हैं 12:30। किट्टो की तबीयत थोड़ी सी हल्की सी ख़राब हुई थी, मतलब बैठी थी वो, उसको गैस बना, वो उल्टी हो गई सारी, बॉडी सारी मोमेंटिंग हो गई, तो पेट एकदम खाली हो गया। तो अभी सो गई थी, बोल रही मुझे नींद आ रही, अब लाइट वाइट बंद कर दो मैं सो जाऊँगी, तो सो गई थी। फिर अचानक से बेबी थोड़ा सा होता है ना मूवमेंट ज़्यादा करने लगता है, पेट खाली हो गया, तो मेरे को उठ गई, बोल रहा हूँ मेरा बेबी बहुत तेज घूम रहा है अभी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हो गया क्या? 12:30 बज रहा है, आपको देखते हो तो गुड मॉर्निंग ही लगता है। क्या हो रहा है अभी? घूम रहा है। और पता है मेरे साथ ना मेरा बेबी बहुत लुक्का छिप्पी खेलता है, मैं जब देखने के लिए करता हूँ बेबी मूवमेंट कर रहा है तो मैं थोड़ा देख लूँ, लेकिन तब नहीं घूमता, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो प्रेगनेंट हैं, हम लोग का ब्लॉग देखती है, फैन थोड़ा सा बंद करूँ। गाइज आप लोग को पता है गर्मी लग रही है हम लोग को यार, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा शेयर करो ना अपनी प्रेगनेंसी का। मैं ना अब ना कसम से अब हम लोग ना एक एक पल को एकदम बढ़िया तरीके से इंजॉय करेंगे और जिएंगे इस पल को। और मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोग को, मैं किट्टो पकड़ो ना, पकड़ो फिर बताओ। अब नींद आने लगी तो जगा दी हमको कि ये जी जगो जी। नहीं बहुत तेज, बहुत ज़्यादा तेज, बहुत मतलब कि फास्ट मूवमेंट कर रहा था ना, तो इसकी जैसे फिर मेरे को जैसे कि लगता है ना कि यहाँ कुछ चल रहा है खड़खड़ ऐसे जैसे कुछ पानी में फेंको चकड़ा करके, तो उन्हें गुड़ 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 नहीं करता उस टाइप तो से। मैं ना एक चीज़ बताता हूँ, देखो गाइस जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है ना वो जो खुशी होती है ना वो बयां नहीं कर सकती, लेकिन जब प्रेग्नेंट होती ना लेडीज वेट करती हैं उस दिन का, यार मेरा टमी ना कब वो दिखे, कब मैं ऐसे करूँ और मतलब ऐसे पेट पे हाथ रखूँ और वीडियोस बनाऊँ उस तरीके का, फ़ोटोज़ क्लिक कराऊँ। तो मैं ना किट्टो रानी का एक एक पल को संभाल के रख रहा हूँ और हम लोग इसको इस टाइम को देख रहे हैं, जी रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब बेबी आ जाएगा भाई साहब और भी आप लोग के लिए मुश्किल हो जाएगा, सोने नहीं देगा वो। तो ठीक है, उस दिन के लिए भी तैयार हो रहे हैं और हम लोग तैयार हैं, तभी बेबी किया है, हम लोगों ने प्लानिंग किया कि भाई हमारा बेबी हो अब, तो सारी चीज़ें हो रही हैं और बेबी का भी बहुत बेसब्री से इंतजार है, जो भी है वो जल्दी आए। सही बात है, मेरा सारा फीलिंग आप ही बता देते थे फिर मुझे बताने। तुम थोड़ा सा बोल दो ना। नहीं क्या बोले, हम जब मतलब कि जब उल्टी कर लेते ना फिर हमको बोलने का कुछ भी मन नहीं। और इस वाले ब्लॉग में मैं ना आप लोग को बताऊंगा कि किट्टो का कौन से मंथ का प्रेगनेंसी चल रहा है, लेकिन सुबह बताऊंगा, अभी रात में नहीं बताऊंगा, सुबह सुबह जब पूजा पाठ कर लूंगा ना भगवान को तब उसके बाद बताऊंगा। कल चंद्र ग्रहण है दोस्तों, आप सबको पता है ना चंद्र ग्रहण है, और कल बहुत ज़्यादा हमको ध्यान देना पड़ेगा, वही जैसे सूर्य ग्रहण में किए थे वैसे चंद्र ग्रहण में किए थे। कल इनको हम ऑफिस नहीं जाने देंगे और इनको अब हम सुलाएंगे, क्योंकि इनकी आंखें चढ़ रही हैं और ये प्रेग्नेंट हैं, तो इनको ज़्यादा देर तक जगाना भी ठीक नहीं है। तो गुड नाइट गाइज, हम लोग सोने जा रहे हैं और आप लोग भी सो जाइए। आप लोग क्या सो जाइए, आप लोग तो ब्लॉग देखते रहेंगे तो सुबह भी हो जाएगा, क्योंकि हम लगा देंगे द नेक्स्ट डे मॉर्निंग, तो आप लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग का देख लेंगे, लेकिन हम लोग सोएंगे। तो प्रेगनेंसी के मंथ को इस वाले ब्लॉग में हम लोग रिवील करेंगे कि किट्टो के प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, इस वादा किया था ना, तो सुबह हो चुकी, सुबह उठ चुके हैं और गुड मॉर्निंग किट्टो रानी। मैं तो भैया नहा धो के फ्री हो गया हूँ, आज पूजा पाठ होगा नहीं क्योंकि आज है चंद्र ग्रहण। तो सुबह से न्यूज लगा के हम लोग बैठे हुए हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ होगी क्या नहीं होगी।
सूतक लग गया ना, सूतक में पूजा नहीं करते हैं। तो हमने अपने देखिए दिखाते नहीं ना मैंने ब्लॉग में, तो हमने वैसे पर्दा वर्दा लगा दिया। किट्टो ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल आपको मिलेगा। तो मैं जा रहा हूँ सबसे पहले गोबर लेके आने के लिए और किट्टो के लिए नारियल पानी लेके आने के लिए, ताकि ये मतलब अपना कुछ भी है पेट में अंदर डाल ले, फ्री हो जाए, कुछ खा पी ले। और गोबर बहुत ज़रूरी है ग्रहणों में, तो जा रहा हूँ सबसे पहले गोबर लेके आने के लिए। उसके बाद फिर बताऊँगा आप लोग को प्रेगनेंसी मंथ का रिवील करूँगा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं और क्या लाना है? दूध भी लाना है, धागा ले लेना। धागा कौन सा धागा? अपने सर से कोई धागा सा ले लेना। धागा से क्या, वही काला धागा आएगा? हाँ वही ले लेना। कितना ले लूँ? 5 मीटर? हाँ एक 5 मीटर। पाँच कितनी मीटर हो तुम? 2 मीटर? 3 मीटर होगी? क्या फुट हो? 3 मीटर नहीं। ये इसी से बांध लेना ना, वो उससे सुई धागे वाले से। चलो चलते हैं फटाफट और लेकर के आते हैं सारी चीजें, व्यवस्था कर देते हैं। अंकल थोड़ा गोबर ले लूं? अपना थोड़ा गोबर का भी काम हो गया भैया, इतना बहुत है गोबर। हमारा नारियल पानी भी तैयार हो गया है और ये डाल लेते हैं नारियल पानी को। चले जा रहे हैं, जा रहे हैं, सब चलते हैं दूध लेने के लिए। इस गोबर, नारियल पानी और दूध सारा आइटम लेकर के आ गए हैं। फिर दूध निकाल दें, रख दें फ्रिज में। के बाद किट्टो रानी का नारियल पानी, जब अपना फुर्सत से होंगी तो पी लेंगी। तो बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा था कि नारियल पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। तो कल फाइनली हमने डॉक्टर से, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, हमने पूछ लिया था कि मैम बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नारियल पानी नहीं पीना चाहिए, बच्चे को निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं। मैडम बोला एक आप पी सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं पी सकते हो, एक पियो कोई दिक्कत नहीं है और अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और जो थोड़ी और सर्दी सर्दी आ जाएगी तो मैं बंदी करवा दूंगा, अभी तो नॉर्मल तो दिल्ली में गर्मी ही लग रही है, देख रहे हो मैं हाँफ रहा हूँ आके। रानी और किट्टो रानी ने बोला हम ऐसे नहीं बताएंगे भैया, अच्छे से थोड़ा सा तैयार हो जाए, साड़ी वाड़ी पहन लें, हम अपनी प्रेगनेंसी मंथ को रिवील कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाए, ताकि लोग जो देख रहे हैं बोले कि यार इन लोगों ने तो ऐसे ही बता दिया, मज़ा नहीं आया थोड़ा सा। तो हमने थोड़ा सा मैचिंग टाइप का पहन लिया ताकि अच्छा है। और आप लोगों ने, हम लोग का ये दूसरा रिवील है, पहला रिवील आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने प्रेगनेंसी रिवील किया था कि किट्टो की प्रेगनेंसी है, किट्टो ने मुझे बताया था। और वो जो सिचुएशन था, वो जो मोमेंट था, वो मतलब भाई साहब अल्टीमेट था। हम लोग अपने आंसू को रोक नहीं पाए और बहुत सारे लोग आप लोग कनेक्ट हुए, बहुत सारे लोग प्रेग्नेंट भी हैं जो हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा, फिर से एक बार कहूँगा, क्योंकि अभी हम लोग की बहुत अच्छी सी वीडियोज़ आएंगी, पूरी प्रेगनेंसी जर्नी आएगी, डिलीवरी भी आएगी, भगवान सब कुछ मतलब सब कुछ सही रखे। और आज तो चंद्र ग्रहण है तो किट्टो का ज़्यादा ही विशेष ध्यान रखना है। और सब लोग, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, किट्टो ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि मेरे में नहीं आती तो इनके में आ जाती हैं भैया, क्योंकि पूरा 24 घंटे का दिन होता है, रात होता है, तो भाई सारी चीज़ें मेरे में थोड़ी नहीं आएंगी, कुछ इनके में भी आती हैं, कुछ मेरे में आती हैं। तो किट्टो ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर प्यार दीजिएगा, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके चैनल के बारे में हम कल भी बोले थे, ध्यान नहीं दिया, आप ब्लॉग नहीं देखती, मेरा ये मेरा ब्लॉग नहीं देखती है, मेरी बीवी मेरा ही ब्लॉग नहीं देखती है, क्योंकि इनकी बीवी खुद ही ब्लॉग शूट करती है, तो क्या देखेगी। तो गाइज हम लोग बात कर रहे थे प्रेगनेंसी मंथ के बारे में, तो कौन सा मंथ है तुम थोड़ा सा स्टार्ट करो, अपनी बातें कुछ शेयर करो लोगों से। अब क्या हम शेयर करें? जो दिल में बातें वो सब शेयर करो, तभी तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। अब सब कुछ लोग सुन रहे हैं तुमको, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग तुमको सुन रहे हैं, और वो लोग विशेष तरीके से सुन रही हैं, जो लोग प्रेग्नेंट हैं वो लोग रिलेट करती है ना, बोलती है ना किट्टो दीदी मेरे को भी यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो अपनी प्रेगनेंसी थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताओगी, कैसा रहा तुम्हारा जितना महीना प्रेगनेंसी हुआ, कैसा बीता? बीता तो बहुत खतरनाक बीता है, अच्छे से तो नहीं बीता है, पहले से लेकर के अब तक में मतलब कि एक महीना थोड़ा सा अच्छा बीता है, बाकी नहीं तो हर महीने जैसे फर्स्ट मंथ से। मैं बताता हूँ, जब तक किट्टो को कंफर्म नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है, तब तक तो बहुत अच्छा जा रहा था, मतलब जिस दिन उसको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है उस दिन से ही उसकी तबीयत खराब हो गई। मतलब एक होता है ना कि जब तक, अब मैं अपने एक दोस्त का फीडबैक बता रहा हूँ, मेरा दोस्त है
उसकी वाइफ का 3 मंथ प्रेगनेंसी हो गया। उन लोगों को मतलब माइंड में था कि हाँ प्रेगनेंट है, लेकिन उन लोगों ने ना टेस्ट वगैरह नहीं किया था, जो हम लोग किट वगैरह से टेस्ट करते हैं, उन लोगों ने टेस्ट वगैरह नहीं किया था। तो 3 मंथ उसकी वाइफ का कैसे निकल गया बोला पता ही नहीं चला, और बोला मुझे पता था कि मेरी वाइफ प्रेगनेंट है, उसको भी पता था प्रेगनेंट हूँ, लेकिन उन लोगों ने टेस्टिंग नहीं किया बोला। और उसके बाद हम लोगों ने जब 3 महीने बाद टेस्ट किया, फिर हमने कंफर्म हुआ, फिर हम लोग रेगुलर डॉक्टर के पास जाने लगे, और मेरी वाइफ को ना एक भी दिन उल्टी तक नहीं हुई। ये सिचुएशन था उनका, लेकिन हमारी किट्टो एक्साइटेड थी कि भैया हमको उल्टी हो तो इन्होंने फर्स्ट मंथ ही चेक कर लिया था, जब होता ना कि भाई अब चेक कर लो कि भाई प्रेगनेंट हो कि नहीं हो, इन्होंने चेक किया तो इनका कंफर्म हो गया प्रेगनेंट। उसके जिस दिन कंफर्म हुआ, एक मेंटेलिटी भी ऐसी हो जाती है कि मैं प्रेगनेंट हो गई, तो वो चीजें शुरू होने शुरू हो जाती है। नहीं, ऐसी बात नहीं, जिसको होना होता है वो होता ही है। बहुत सारे लोग को भी नहीं होता है, बहुत सारे लोग को होता है, बहुत सारे लोग को 6 मंथ के बाद होता है, बहुत सारे लोग को पूरे 1 से 9 मंथ तक उल्टियां होती हैं। अभी तो रात में ही कम से कम 2 बार हुआ ना जी। बहुत सारे लोग को 1 से 9 मंथ तक उल्टियां होती हैं दोस्तों। तो भाई सबको सकती देखो कि मैं किट्टो को लेकर के एक बार एडमिट भी हुआ इसी चक्कर में, इसकी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी, और थैंक्स टू डॉक्टर की डॉक्टर ने उस सिचुएशन से इसको अच्छी तरीके से निकाला। पीली वाली दवा आती है ना, वो तो मुझे मेरा ऐसे देखेंगे उसमें पड़ा हुआ है, वो तो मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं किया उस वाले डब्बे में। उसको मैं जब भी ली हूँ 1-2 खाई होंगी उसी में है, इसमें है। मतलब वो एक भी दवाई सूट नहीं किया इसको। ये वाला तो देख रहे पत्ता पत्ता सही है, और इसमें भी है जो कि हम इनसे बोले कि जब हम खाई नहीं तो फेंक दो शुरू से लेकर के अब तक में, तो ये हमने इसको खाया ही नहीं पूरा, देखो पूरा पैक है ये दवाई है। इसके बाद ऐसे ही सेम एक पिंक कलर की दवा थी, उन्होंने बोला कि मैं बोली कि यार ये दवा मैं इतना खाती हूँ, 2-2 खाती, 1-1 खाती, तब पर भी आराम नहीं करता है, लेकिन वो दवा मैं खाती थी ना वो बिल्कुल भी, जब से उसको खाया तब से मुझे उल्टी नहीं हो रहा था। ये दवा अच्छा नहीं है मेरे लिए, अब पता नहीं बहुत। तो आप लोग गेस करिए कि फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए किट्टो का कौन सा महीना चल रहा है, क्योंकि आप सब लोग बहुत एक्साइटेड है। कोई बोलता है कि 7वां चल रहा है, कोई बोलता है 8वां, कोई बोलता है कि 4 मंथ कंप्लीट हो गया, कोई बोल रहा है बस अब दिसंबर में ही डिलीवरी है। तो सही बात है, मैं आप सब लोग के जो भी भावना है उनका पूरा कदर करता हूँ, जो जैसा एक्सपेक्ट करता है उसको भी थैंक यू सो मच भाई, आप लोग इतना हमें इंटरेस्ट रखते हो, इतना प्यार देते हो, इतना सोचते हो हमारे बारे में, मत करो। तो अब किट्टो प्रेगनेंसी तुम्हारा कैसा रहा? मेरा प्रेगनेंसी देखिए हर एक औरत के लिए मतलब जो प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन जब उल्टी होती थी ना तकलीफ होती थी, खाना नहीं खाया जाता था, दूर दूर भागती थी, बाथरूम में बैठी रह जाती थी किट्टो। मेरा भाई आया था बोला कि ये का दिन भर बाथरूम बैठी बैठी दिन भर बाथरूम, उनको देखो अभी तो उनकी शादी नहीं हुई, जब दीपक भाई आए थे उनको तो पता है नहीं कि ये कैसे मतलब लड़कियां औरतें जब प्रेगनेंट थी तो क्या क्या होता है। इसकी मतलब हालत देख के ना मेरे आंखों में आंसू आ जाते थे, मतलब इतनी उल्टी होता ना लस्ट हो जाना आदमी, जो मैं इतना बीमार पड़ती थी उल्टी से मेरा। और लोग उन्होंने किट्टो को क्या क्या बोला कि तुम जब देखो तब बीमारी रहती हो, भी घूमने निकल जाओ तो सही हो जाओगी। गाइस हम लोग क्या होता है कि ना हर किसी को नहीं समझा सकते हैं ना। तुम एक दिन जानते हैं जिस दिन इनको गांव जाना था उस दिन तो समझ लीजिए कंटिन्यू जैसे 1-1 सेकंड पे मैं बैठ ही नहीं, ये तुरंत भाग कर रक्षाबंधन के टाइम पे वही कह रहे हैं, ये दौड़ के तुरंत आए घर पे, और उसके बाद फिर उस दिन तो ऐसा लगा कि मैं ट्रेन नहीं पकड़ पाऊंगा, लेकिन इसलिए शाम होते होते सिचुएशन ठीक हो गई थी। डॉक्टर ने बोला था कि अगर नहीं ठीक हो तो बोल दीजिए, मैं उसको पीते ही मतलब सुबह से सोच लीजिए शाम तक ना एक मतलब कि जैसे कि मुंह में कुछ भी नहीं गया है, और दिन भर बस खाली बाथरूम के पास लेकिन हाँ डॉक्टर से कंसल्ट किया, ORS घोल वगैरह दिया, आराम लग गया इसको। उसका फिर मैं गया एक दिन रुका, दूसरे दिन चला आया था। बोली कि अगर ज्यादा हो तो फिर इनको एडमिट ही करना पड़ेगा। एडमिट के नाम से मेरे को फिर डर लगने लगा यार, तो इनको छोड़ के तो इनको जाना ही नहीं पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, बहुत दिक्कत हो जाती है एडमिट जब इंसान ज्यादा हुआ है। इतना ज्यादा मैं इतना परेशान हुई ना, रात रात रोती थी रात रात, लेकिन हर चीज उस टाइम किट्टो कहती थी यार मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बाबू इतना उल्टी हमको क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है इतनी उल्टियां हो, लेकिन जैसे अजीब सा हर चीज बदबू, हर चीज इतना गंदा गंदा सब कुछ लगता था ना। ये लोग खाना खाते थे, मैं अपना ऐसे नाक ऐसे बांध लेती थी, दाल की बदबू आनी, किचन में कुछ बन रहा है बोले बाबू किचन में कुछ बन रहा है, दरवाजा बंद कर दो बहुत स्मेल आ रही बस, है बस खाई चावल अच्छा लगता था चावल और कुछ भी नहीं। तो ज्यादा इंतजार नहीं करते हैं, बहुत सारे मतलब कि मैंने बहुत कष्ट सहा है, बहुत सारी औरतें भी सहती हैं, ऐसा नहीं है कि बस मैं ही सही हूँ, बहुत सारे लोग को जो हाँ सही बात है मंथ का तो ज़्यादा देखो इंतज़ार नहीं कराएंगे। और मैंने तो 10 लाख का जिसमें से 1-5 लाख का पहन लिया, 5 लाख का नहीं पहना है तो नहीं इसके बारे में बता देना चाहते ना, ये चीज़ ना ये मतलब ये 1 ग्राम का है गाइस, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ नहीं बोला मैंने, 1 ग्राम का मैंने बताया है, 1 ग्राम गोल्ड है इसमें। तो बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि दीदी आप अपना प्रेगनेंसी
प्रेगनेंसी का मंथ रिलीव कर दीजिए, इतना तड़पाती हैं, इतना करती हैं, क्यों करती हैं ऐसे। तो मैं सोचती हूँ कि हर समय का, हर चीज का एक समय होता है, समय आने के बाद बताओ तो अच्छा। क्योंकि देखो जैसे हम लोगों ने, आप लोग बहुत कमेंट करते हैं कि आप लोग बता के जो प्रेगनेंट है प्रेगनेंट है, तो जब वो समय आया तो हमने बताया, अब हमारा समय आ गया कि प्रेगनेंसी मंथ को रिवील करने का, अब हम लोग अच्छे से बता सकते हैं। हाँ तो मैं बता दे रही हूँ, बता दो नहीं बता सकते क्या? नहीं आप बताओ, आपके मुझसे अच्छा लगेगा। तो देखिए मेरा ना ये 6 मंथ कंप्लीट हो गया, 7 मंथ स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग को बता दिए ना, खुश है ना। तो बहुत जल्द हम लोग मम्मी पापा बन जाएंगे। और अब जो ये टाइम आया ना, अब ये टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी जो 6 मंथ होता है ना बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत संभाल के चलना पड़ता है, बच्चे के लिए बड़ा वो होता है, लेकिन बच्चा बन के तैयार हो जाता है तो उसके बाद थोड़ा सा टेंशन थोड़ी सी हल्की हो जाती है, लेकिन 8वें 9वें महीने थोड़ा सा लेडीज को थोड़ा सा आराम देना पड़ता है। लेकिन इसको डॉक्टर ने बोला कि अब तुम मॉर्निंग वॉक कर सकती हो, अब की बार बोला अब तुम मॉर्निंग वॉक कर सकती हो, लेकिन बाहर नहीं जाना है तुम्हें, बाहर नहीं जाना है, घर में मॉर्निंग वॉक करो, घर में ही टहलो, बाहर नहीं जाना है। तो गाइस किट्टो का 6 मंथ कंप्लीट हो गया है इन्हीं शब्दों के साथ, 7 मंथ स्टार्ट हुआ, 7 मंथ चल रहा है। तो आप लोग को बहुत सारे लोग, कौन कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने सही एक्सपेक्ट किया था, सही गेस किया था किट्टो का 7 मंथ हो चल 6 मंथ कंप्लीट हुआ है, 7 मंथ चल रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने इस वाले ब्लॉग को एंड करते हैं, और आप लोग खूब प्यार देना यार, खूब चैनल को सब्सक्राइब करना, खूब कमेंट करना, स्टेटस लगा देना, वायरल कर देना, ग्रुप में भेज देना। अमित जयसवाल, किट्टो जयसवाल की लव यू ऑल, बाय बाय, शाम को फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। हम अपने वाड़ी को विराम देते हैं, बाय बाय, शाम को एक नए ब्लॉग के साथ, एक चंद्र ग्रहण के साथ, बाय बाय।